मधुबन खुशबू देता है, सावन सावन देता है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। किसी भी पीड़ित, आश्रयहीन, असहाय, लावारिस को अभाव में वेदनादायक मृत्यु का शिकार होने से बचा सके, इसी परिकल्पना को साकार करने हेतु प्रभु ने इस अनुपम कार्य को करने की प्रेरणा डॉक्टर पीएम भारद्वाज एवं उनकी सहधर्मिणी डॉक्टर माधुरी भारद्वाज को दी। भारद्वाज दंपति व उनके सहयोगियों के माध्यम से 29 जून 2000 को अपना घर की स्थापना भरतपुर जिला मुख्यालय से 8 किलोमीटर की दूरी पर अचनेरा रोड गांव बजेरा में हुई। पीड़ित सेवा ईश्वरीय सेवा समान है, इसे आत्म साक्षात करते हुए आज अपना घर में परिवार व समाज से उपेक्षित, तिरस्कृत, पीड़ित व असहाय लोगों की सेवा में सेवा को समर्पित हजारों लोग अपना घर को शारीरिक, वैचारिक व आर्थिक योगदान देकर असहायों के कष्टों को कम कर उनके जीवन में खुशहाली लाने में प्रयत्नशील हैं। हमने जग की अजब तस्वीर देखी, एक हंसता है, 10 रोते हैं। हमें हंसते मुखड़े चारों मिले, दुखियारे चेहरे हजारों मिले, यहाँ सुख से 100 गुनी पीर देखी, एक हंसता है, 10 रोते हैं। दो एक सुखी यहाँ लाखों में, आंसू है करोड़ों आँखों में। सूचना मिलने पर इन असहाय जरूरतमंदों को देश के विभिन्न प्रांतों के रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, धार्मिक स्थल आदि स्थानों से बड़ी ही वेदनादायक स्थिति में असीम गंदगी से उठाया जाता है। ये सभी माँ की कोख से ही पैदा हुए हैं। इन्हें ममतामयी सेवाओं के साथ जीवन यापन की मूलभूत आवश्यकताएं भोजन, चिकित्सा, आवास, शिक्षा आदि अपना घर परिवार के सदस्यों व सेवादारों के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है। अपना घर में राजस्थान के साथ साथ नेपाल एवं देश के 10 से भी अधिक प्रदेशों के लोग जातपात, धर्म, भाषा एवं मजहब की सीमा से परे आनंदमय रूप से जीवन यापन कर रहे हैं। इस सेवा मंदिर में मनोरोगी, संक्रमित, मंदबुद्धि, बीमार, लकवाग्रस्त, नेत्रहीन, विकलांग महिला, पुरुष व बच्चे आश्रय ले रहे हैं। इस सेवा प्रकल्प को अपने सदस्यों एवं सेवाभावी लोगों के सहयोग से संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत सेवाभावी लोग मासिक, वार्षिक एवं आजीवन सदस्यता ग्रहण करने के साथ भोजन, अन्य सामग्री व नकद राशि देकर मदद कर रहे हैं। अपना घर में भर्ती होने वाले अधिकतर आवासी गंभीर व असाध्य रोगों से ग्रसित होते हैं, अपनी दैनिक दिनचर्या के लिए दूसरों पर निर्भर रहती हैं। इस सेवा मंदिर में आश्रय ले रहे रोगियों की चिकित्सा, संस्थान में सेवाएं दे रहे चिकित्सकों के साथ साथ राजकीय चिकित्सालय भरतपुर, जयपुर, आगरा व निजी चिकित्सालयों में कराई जाती है। संस्था आयकर अधिनियम की धारा 80G के अंतर्गत पंजीकृत है। मानव सेवा कार्यों को व्यापकता प्रदान करने के लिए जिला एवं तहसील मुख्यालय पर अपना घर सेवा समितियों का गठन जारी है। देख रहे हैं बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं। जन्म देने वाली तो माँ होती ही है, परवरिश करने वाली माँ का दर्जा भी जननी से कहीं ज्यादा होता है। इस समय आप अपना घर परिवार द्वारा अपने प्रिय मासूम के जन्मदिन की खुशियों का इजहार करते हुए देख रहे हैं। जानवरों को गलियों, मोहल्लों में घूमते हुए व गंदगी के समीप अक्सर आपने देखा होगा। इस समय इस महिला का जो रौद्र रूप आप देख रहे हैं, इस महिला को सागानेर पुलिया के नीचे थाने के पास जयपुर से निर्वस्त्र कूड़े के ढेर के मध्य असीम गंदगी में लिपटी हुई सर्दी से बचने के लिए गंदगी का ही ओढ़ना ओढ़े हुए कचरे को जलाकर सर्दी से बचाव करते हुए मिट्टी के बिछौने पर से उठाया गया था।
यह महिला पिछले 3 साल से यही आसपास के क्षेत्र में पशुव्रत जीवन जी रही थी। अपना घर में सेवा एवं उपचार के उपरांत इस महिला की स्थिति में काल्पनिक सुधार को देखकर आपको अपनी आंखों पर विश्वास करना मुश्किल होगा। महिला संस्थान परिसर में घूमती हुई नरके जीवन से मुक्ति पाने के बाद महिला की स्थिति स्वयं बयां कर रही है कि वह यह कितना सहज एवं सरल मुद्रा में आप उसे देख रहे हैं। यहाँ आप देख रहे हैं ये वृद्ध जीवन के अंतिम पड़ाव में आगरा की सड़कों पर जिंदगी के बोझ को घसीटने पर मजबूर है, जिसके दो दो बेटे जवान हैं। बाप की ये हालत हमारी संवेदनहीनता एवं पारिवारिक मूल्यों की गिरावट को बयां करती है। अपना घर की सेवाओं के बाद ये वृद्ध आपके सामने है। यूं बसर हमने जिंदगी कर ली, इंसानों ने साथ छोड़ा तो जानवरों से दोस्ती कर ली। धार्मिक स्थल बालाजी में मलमूत्र एवं कचरे के ढेर पर सोरों के साथ पशुव्रत जीवन जी रहे इस मनमुति बालक पर उपरोक्त पंक्तियां पूर्ण रूपेण चरितार्थ हो रही हैं। जननी जनक द्वारा उपेक्षित इस मासूम बालक को लावारिस स्थिति में नरकी जीवन जीने के लिए मजबूर कर दिया गया, जिसे माँ के आंचल के अभाव में धरती माँ की गोद, खाने को शहर की गंदगी, पीने को गटर का पानी एवं सोरों का साथ अवश्य मिल पाया। आज इंसान अपनी बनाई हुई मूर्ति की तो पूजा करता है, लेकिन कुदरत की तराशी हुई मूर्ति यानी इंसान की सेवा करने से परहेज करता है। कहा जाता है नर ही नारायण है। भूखे को रोटी, प्यासे को पानी, बेघर को आवास एवं बीमारों की चिकित्सा ही सच्ची मानव सेवा है। किसी के पास है हीरे मोती, किसी के पास लंगोट नहीं। किसी के हो मात पिता, भाई बहन सब, तो किसी का कोई वारिस नहीं। इस मनमुति बालिका को अर्धनग्नावस्था में बालाजी धार्मिक स्थल से उठाया गया, जिसके पास तन ढकने व ओढ़ने के लिए सर्द रातों में एक चादर तक भी नसीब न थी। बालिका की जीवंत ममता को इंसान तो नहीं समझ पाया, मगर कुत्ते रक्षक व साथी बनकर बालिका की रक्षा बड़ी ही मुस्तैदी के साथ करते हुए आप यहाँ देख रहे हैं। अपना घर की टीम बालिका को लाने की तैयारी में नहलाकर कपड़े पहनाते हुए आप देख रहे हैं। यह बालिका आज अपना घर परिवार का सदस्य बनकर एक आम बालिका की तरह अपना जीवन यापन कर रही है। मंदबुद्धि महिला जो कि अपने आप को भी नहीं संभाल सकती, दरिंदों की हवस के परिणाम स्वरूप किस प्रकार अपनी गोद में बालक को लेकर देख रहे हैं। अपना घर में आज यह महिला अपने बच्चे के साथ जीवन यापन कर रही है। उपचार के उपरांत आवासियों को पुनर्वासित करने के प्रयास किए जाते हैं। अपना घर परिवार द्वारा आवासियों को उनके परिजनों तक पहुँचाया जाता है। यहाँ आप आवासियों को घर ले जाते हुए एवं उनके परिजनों से संपर्क करने के बाद सुपुर्द करते हुए देख रहे हैं। जन्म व मृत्यु सब ईश्वरीय कृत्य हैं। जिंदगी मौत की अमानत है। प्रत्येक व्यक्ति को सांसें गिनकर मिली हैं। शरीर के पंच तत्व में विलीन होने के उपरांत आवासी की इच्छा व धर्म के अनुसार उनकी नश्वर देह को अंतिम विदाई देकर प्रभु को समर्पित करते हैं। आपके समक्ष कुछ अति संवेदनशील दृश्य एवं रोती हुई मानवता के नजारे, जिन्हें देखकर आप व्यथित हो सकते हैं। इन दृश्यों को देख पाना आपकी सहनशीलता व सामर्थ्य पर निर्भर है। आप देख रहे हैं यह युवक मुंह में कैंसर होने के कारण इसका गला बंद हो गया तथा उसमें कीड़े पड़ गए। कैंसर के दर्द एवं कीड़ों के काटने की वेदनादायक पीड़ा को वह सहन नहीं कर पाया तथा उसने आत्महत्या का प्रयास किया। समय विपरीत होने के कारण मौत ने भी उसका साथ छोड़ दिया। जिंदगी तू तो रही अश्क परेशा हमसे, ये ना मालूम था कि मौत भी डर जाएगी हमसे। समाज के आईने का एक हृदय विदारक दृश्य व वृद्धा की करुण दास्तान अब आपके समक्ष प्रस्तुत है। यह वृद्धा बक्ष कैंसर से ग्रस्त, कीड़े पड़ी हुई असहाय हालत में अपने ही निवास पर असहनीय दर्दनाक पीड़ा को पिछले 6 माह से शहर के मध्य लक्ष्मण मंदिर के पास भरतपुर में झेल रही थी। पैर की हड्डी टूटने के कारण चलने फिरने में असमर्थ थी, जिससे अस्पताल तो नहीं पहुंच सकी, लेकिन बीमारी की असाध्यता व गंभीरता के कारण कष्टों को झेलने के लिए मजबूर थी। रोग की गंभीरता को समझते हुए अपना घर सेवा एवं उपचार द्वारा पीड़ाओं को कम कर